नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी चैनल रहस्यमैक्स में। दोस्तों, रहस्यमैक्स चैनल में हम आपको दिखाएंगे अनोखी चीज़ें, रहस्यमय बातें, अनसुनी कहानियाँ और कुछ ऐसे अनसुने अद्भुत किस्से जो आपको सिर्फ और सिर्फ रहस्यमैक्स चैनल पे ही मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और आपने रहस्यमैक्स चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जॉर्डन देश के बारे में। अगर आपको जॉर्डन देश के बारे में कुछ सवाल है तो इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं जॉर्डन देश के बारे में कुछ अनसुने फैक्ट्स और रसप्रद जानकारी। जॉर्डन ब्रिटेन और फ्रांस द्वारा किए गए मिडल ईस्ट के प्रथम विश्वयुद्ध के बाद विभाजित हुआ था। 1922 से यह देश ट्रांस जॉर्डन के नाम से जाना जाता था। इसे संयुक्त रूप से 1946 में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता मिली। जॉर्डन की राजधानी अमान है। इसे एक बार फिलाडेल्फिया नाम भी दिया जा चुका है। जॉर्डन मिडल ईस्ट का एकमात्र देश है जहां किसी भी प्रकार का प्राकृतिक गैस और प्राकृतिक तेल पाया नहीं जाता। जॉर्डन की सभ्यता पुरानी सभ्यताओं में से एक है और यहाँ का इतिहास ईसाई धर्म के साथ जुड़ा हुआ है। यह माना जाता है कि मोसिस का मृत्यु जॉर्डन के माउंट नेबो में हुआ था, इसलिए जॉर्डन दुनिया भर के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। यहाँ का शहर पेट्रा दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, इसी वजह से यह शहर को काफी महत्व दिया गया है। एक समय पे जॉर्डन के लोग ईसाई और यहूदी धर्म का पालन करते थे, लेकिन इस्लाम धर्म आने के बाद यहाँ के ज्यादातर लोगों ने धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गए और तब से यह देश मुसलमान देश जाना गया। यहाँ की कुल आबादी 98 लाख है, उनमें से 90% से ज्यादा लोग मुसलमान हैं और बाकी के लोग ईसाई धर्म का पालन करते हैं। यह मिडल ईस्ट का ऐसा देश है जहाँ इराक और सीरिया से आए ईसाई लोगों को रहने के लिए जगह दी जाती है। यहाँ का अर्थव्यवस्था मिडल ईस्ट के देशों के हिसाब से काफी खराब माना जाता है। यहाँ तेल न होने की वजह से यहाँ का अर्थव्यवस्था सर्विस सेक्टर पर आधारित है। जॉर्डन में गरीबों की संख्या लगभग 12-14% है, फिर भी यहाँ लोग प्रति आई लगभग 12 से दुगना है और यहाँ की आबादी के लगभग 84% लोग शहरों में रहते हैं। यहाँ की करेंसी दिनार है और एक दिनार भारत के 90 रुपए होता है। यहाँ का पार्लियामेंट्री सिस्टम इंग्लैंड के अनुकरण करके बनाया गया और यहाँ के सुल्तान देश के हेड हैं। यहाँ की ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टी किसी भी धर्म आधारित नहीं है और हर पार्टी को स्वतंत्रता दी गई है। यहाँ पे 2 तरह का कानून लागू होता है, एक सिविल लॉ जो सारे धर्म के लिए है और एक शरिया लॉ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए है। जॉर्डन के ज्यादातर लोग काफी मॉडर्न है और ये वेस्टर्न कल्चर से काफी प्रभावित है। तो दोस्तों, ये थी हमारी जानकारी जॉर्डन देश के बारे में। आपको ये जानकारी कैसी लगी, इसके बारे में आपकी राय व कमेंट हमें जरूर लिख भेजिए। दोस्तों, आप अपने सुझाव इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।